वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने आज जो इवनिंग में किया था मॉक टेस्ट, उसमें ग्रुप 16 तक का मैंने कवर कर लिया था, और आज हम आपको जो प्रीमियम रखा है इसमें ग्रुप 17 और 18 फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 110 से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू रिमूव द प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल जो ख़त्म हो गया, उसमें से प्लूटोनियम किससे निकलेगा? O2F3। ये मैंने करवाया है बुक में, आपको ये करवाया हुआ था। 111। ए ग्रीनिश येलो गैस रिएक्ट विद अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म हैलेट विच कैन बी यूज इन फायर वर्क एंड सेफली मैचेस। सेफ्टी मैचेस, माचिस जो बनाते हैं। द गैस एंड हैलेट क्या है? ब्रोमियम KBrO3, क्लोरीन KClO3, आयोडीन NaO3, क्लोरीन NaClO3। 112। जब आयोडीन को पास करते हैं KCl KF KBr से, तो क्या होता है? क्लोरीन एंड Br2 इवॉल्व Cl2 रिमूव इवॉल्व Cl2 BrOF2 इवॉल्व नॉन ऑफ दीज। 113। हाइड्रोजन आयोडाइड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन पोटाशियम आयोडाइड बिकॉज हाइड्रोजन आयोडाइड या स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड से। हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर वोलाटाइल देन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 फॉर्म कम्प्लेक्स। देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 111 112 113। क्लोरीन एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर मॉइस्चर सनलाइट नन ऑफ दीज। विच ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट सीडो हैलाइड। कौन सी नहीं है? CNO-, RCCOO-, OCN-, NN-. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं बता चुका हूँ। इंटर हैलोजन कंपाउंड में क्या नहीं आता? दे आर मोर एक्टिव देन हैलोजन। दे आर क्वाइट अनस्टेबल बट नन ऑफ देम एक्सप्लोजिव। दे आर कोवेलेंट इन नेचर। दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई वोलेटिलिटी। रिपीट कर लीजिए, आई होप यू कैन गिव आंसर। KF कम्बाइन विद HF टू फॉर्म KHF2। कंपाउंड कंटेन द स्पीसीज क्या है इसमें? K+, F- H+, K+, F- HF, K+, HF2-, KHF+, F-. क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl, फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HClO4, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर ऑफ मेटल। आयनिक करेक्टर का डिक्रीज क्या है? MF, MCl, MBr, MI, MI, MBr, MCl, MF, MCl, MF, MBr, MI, MF, MBr, MI, MCl। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन कोल्ड NOH क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? NaClO, NaClO2, NaClO3, HCl। भी बताया था मैंने बुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन डज नॉट एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किया था। किसकी नेगेटिव ही आती है हमेशा? ClBrIF, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन। ब्रोमीन को हम ऐड कर रहे हैं कोल्ड डिल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH में, फिर उसको बॉयल कर रहे हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत आती है? ड्यूरिंग द रिएक्शन ब्रोमीन प्रेजेंट इन 4 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन 5। ऑन एसिडिफिकेशन ऑफ फाइनली मिक्सचर ब्रोमीन इज फॉर्म्ड। डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ ब्रोमीन अकर ड्यूरिंग रिएक्शन। 123। इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ClO2 डज नॉट डाइमराइज। ओड भी है बट डाइमर नहीं बनाता, क्यों? ओड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। ओड इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज इन क्लोरीन एटम। 2 ClO बॉन्ड डू नॉट हैव सेम लेंथ। P pi star बॉन्डिंग इन द क्लोरीन एटम। 124। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिटन अगेंस्ट इट। प्रॉपर्टी है और सीक्वेंस है। पहली है इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, सेकेंड है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनेशन एथैल्पी। ऑर्डर आपको दिया हुआ है। दीज आर द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 17।
देखिए ध्यान से, ये करवा चुका हूँ मैं आपको बुक में से। ब्रोमीन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम पोटाशियम ब्रोमाइड सोल्यूशन बाय एक्शन ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, क्लोरीन, सोडियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन इज ऑब्टेंड इन कमर्शियल स्केल किससे, कैलिची, कार्नेलाइट, कॉमन साल्ट, क्रायोलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस हुआ था। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का H2F2, HCl, HBr, HI। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड अनलाइक अदर हाइड्रोजन हलाइड, क्यों, फ्लोरीन एटम इज स्मॉलर इन साइज, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज वीकेस्ट एसिड, फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, HF मॉलिक्यूल फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 129, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट प्ले रोल इन बॉइलिंग ऑफ अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन आयोडाइड, इथाइल अल्कोहल। तो बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई रोल नहीं है इन बॉइलिंग ऑफ में इनकी। 130, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पीकेए वैल्यू ऑफ गिवन एसिड, एसिड की पीकेए वैल्यू किसकी ज़्यादा कम है, कौन सा ऑर्डर अच्छा है, देखिए ए बी सी डी चारों देखिए। वेन आयोडीन इज डिजॉल्व इन CCl4 द कलर डैट रिजल्ट इज ब्राउन, वायलेट, कलरलेस, ब्लूश ग्रीन, क्लोरीन गैस ड्राइड ओवर, कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH, KOH, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लोरीन गैस को किसके ऊपर ड्राई करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैल्शियम क्लोराइड, CaClO2, CaClO4 ट्वाइस, CaClO3 ट्वाइस, CaClO2 ट्वाइस। वंस अगेन रिपीट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे होगे ये सारा कंसेप्चुअल ही है, न्यूमेरिकल सेशन ही है इसमें इतना, और आप थोड़ा दिमाग लगा के करोगे बुक, बार बार जो मेन पॉइंट रिपीट करोगे तो आराम से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, चार रिएक्शन है देख लीजिए, हाइड्रोजन ब्रोमीन HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड नाइट्रिक एसिड, सोडियम ब्रोमाइड प्लस HCl, सोडियम क्लोराइड HBr, सोडियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, वाटर। कौन सी इसमें से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाली रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन का दिमाग में रख के कर लीजिए। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन Br2I2Cl2F2। 1 mole ऑफ फ्लोरीन को ट्रीट किया गया विद 2 mole ऑफ होड कंसनट्रेटेड KOH, जो प्रोडक्ट बना वो था KF H2O एंड ऑक्सीजन। तो रेशियो क्या थी इसकी, 1:1:2, 2:1:0.5, 1:2:1, 2:1:2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हैलोजन करेक्ट, हैलोजन से रिगार्डिंग कौन सी करेक्ट है, फ्लोरीन हैज लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन क्लोरीन, वंडरवाल फॉस्फेट्स आर वीकेस्ट इन आयोडीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोफिलिक एसिड, ऑल हैलोजन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर क्या है, किसमें आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं, Cl2O, IClO2, Cl2 नेगेटिव, ClO2, IF2 पॉजिटिव, I3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClF2 पॉजिटिव। 139, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हैलोजन, हैलोजन से कौन सी करेक्ट है, दे ऑल आर डायटोमिक एंड फ्रॉम यूनिवेलेंट एटम, दे ऑल आर कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर ऑल डायटोमिक एंड फॉर्म डाइवेलेंट आयन, दे कैन म्यूचुअली डिस्प्ले ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ देयर कंपाउंड विद मेटल। 140, SO2 एक्ट एज टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट बट क्लोरीन एक्ट एज परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट, क्यों, क्लोरीन ब्लीच ड्यू टू रिडक्शन बट SO2 ड्यू टू ऑक्सीडेशन, क्लोरीन ब्लीच ड्यू टू ऑक्सीडेशन बट SO2 ड्यू टू रिडक्शन, एंड द ब्लीच सब्सटेंस इन केस ऑफ क्लोरीन गेट रिड्यूस इन एयर एंड रिगेन इट्स कलर, नॉन ऑफ दीज, बताइए। 141, कंपाउंड यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ UF6 इन इनरेचमेंट ऑफ यूरेनियम 235 क्या है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड फ्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, हैलोजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हैलोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन फ्लोराइड फ्रॉम
इंट्रो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, 140, 41, 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्चुअल्स हैं और डेली लाइफ में भी काम आते हैं। 143 डायरेक्शन ऑफ KMnO4 एंड HCl रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ Mn इन KMnO4 एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन, रिडक्शन ऑफ मैगनीज इन KMnO4 एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ मैगनीज इन KMnO4 एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ मैगनीज इन KMnO4 एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन। 144 एज द एटॉमिक नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज द हैलोजन क्या करते हैं, लूज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लेस रेडिली, बींग लाइटर इन कलर, बींग लेस डेंसर, बिकम गेन इलेक्ट्रॉन लेस रेडली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ITO4 एग्जिस्ट एज IO पॉजिटिव, IO3 नेगेटिव, I4O नेगेटिव एग्जिस्ट एज I3 पॉजिटिव, I3 नेगेटिव थ्राइस, ऑन डिकम्पोजिशन I4O9 एंड I2O5 फॉर्म्ड, ऑल ऑफ दीज, बताइए सारे सही हैं या तीन ऑप्शन में से कोई सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर सीजियम ब्रोमाइड, इट कंटेन सीजियम +3 ब्रोमीन नेगेटिव, कम्प्लेक्स है ये, इसमें CS पॉजिटिव Br3 नेगेटिव आइन, कंटेन CS पॉजिटिव Br2 एंड Br नेगेटिव आइन इन क्रिस्टल लेटिस। 147 हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कैनॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास वेसल, क्यों, रिएक्ट कर लेता है, क्या बना देता है, Na2SiO3 फ्लोरीन, Na2SiF6 SiF6 F2 Na4SiF6, बताइए इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ClO3 एंड Cl2O6, दे आर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, दे आर डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, बोथ आर डायमैग्नेटिक, बोथ आर पैरामैग्नेटिक। 149 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रिएक्ट करते हैं सोडियम डाई सल्फाइड ट्राईऑक्सीजन से, और स्टेटमेंट कौन सी इसमें करेक्ट है, ऑल द हैलोजन रिएक्ट इन सिमिलर वे, क्लोरीन ब्रोमीन रिएक्ट इन सिमिलर वे बट आयोडीन रिएक्ट डिफरेंटली, ब्रोमीन एंड आयोडीन रिएक्ट इन सिमिलर वे, क्लोरीन रिएक्ट इन डिफरेंटली। 150 इन ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन बॉन्ड क्या है, इसमें DiPi-DiPi, PiPi-DiPi, PiPi-ViPi, नॉन ऑफ अबव, ये करवा चुका हूँ आपको मैं। विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू दिस ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग करेक्टर, आयनिक करेक्टर, डाइपोल मोमेंट। 152 विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन गिवन मॉलिक्यूल, ABCD चारों दी हुई हैं डेफिनेशन, आगे पीछे हैं जी, बताइए इसमें बॉन्ड एंगल जो है कैसे इंक्रीज होते हैं, करेक्ट क्या है इसका, रिएक्शन है MnO2 HCl से, A बन रहा है F2, फिर B बन गया, BU से यूरेनियम सेक्शन के CD बन गया, तो ABCD क्या है, क्लोरीन ClF UF6 ClF3 Cl2 ClF3 UF6 ClF, ऑप्शन सी एंड डी भी देख लीजिए ध्यान से, तो थोड़ा इसके ऊपर टाइम लगाइए, फोकस करिए। थैंक यू वंस अगेन, रिपीट योरसेल्फ, नेक्स्ट 154 विच हैज मैक्सिमम pH इन एक्वो सॉल्यूशन, NaClO, NaClO2, NaClO3, NaClO4, इट इज़ नोन दैट क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म HCl एंड HOCl, सो व्हेन ICl इज हाइड्रोलाइज फिर क्या होगा, ओनली HCl फॉर्म्ड, ओनली HI फॉर्म्ड, HOCl एंड HI फॉर्म्ड, HOI एंड HCl फॉर्म्ड। 56 व्हेन BrF5 रिएक्ट विद NaOH, NaFO3 एंड NBr फॉर्म्ड, NaBrO3 एंड NMF4, NaF एंड NBr फॉर्म्ड, NBrF इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद F2, इंपॉर्टेंट है। आयोडीन पेंटाक्साइड ऑन हीटिंग विद ड्राई HCl क्या देता है, ICl3, Cl2, ICl5, ICl, तो कौन सा सही है, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 2 3 4, 1 2 3। अरेंज द एसिड्स,
एस सल्फ्यूरिक एसिड, एस थ्री पी ओ थ्री, एस सी एल ओ थ्री, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, इंपॉर्टेंट है ये। क्लोरीन इज लिबरेटेड व्हेन वी हीट, इनमें से किसको हीट करने से क्लोरीन निकलती है, देखिए ए बी सी डी। स्टेबिलिटी ऑफ आयोडीन इंक्रीज इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ के एम एन ओ फोर, पोटाशियम आयोडाइड, कार्बन सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। द एसिड फॉर्म्ड व्हेन आयोडीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या है, आयोडिक एसिड, नाइट्रस एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन लैब फॉर फास्ट ड्राइंग ऑफ न्यूट्रल गैसेस, न्यूट्रल गैसेस को ड्राई करने के लिए किस सब्सटेंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्साइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एक्टिव चारकोल एंड सल्फर फास्फेट। लास्ट फ्रॉम ग्रुप 17, एक्वा रीजिया मिक्सचर है हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड एंड HCl का क्या रेशो है, 1:3, 2:3, 3:2, 3:1। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैं बता चुका हूँ। तो दीज वर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप 17। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे एंड यू हैव वेल एंजॉयड दीज क्वेश्चंस एंड योर पार्टिसिपेशन इज़ वेरी डेडिकेटेड। एंड लास्टली वी हैव लास्ट ग्रुप, ग्रुप 18, डेट इज़ इनर्ट गैस, उसको भी हम साथ में कवर करते हैं। ग्रुप 18, 165, तो इसका एक ही PDF मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। अमंग द नोबल गैसेस हीलियम एंड जिनोन, ओनली जिनोन रिएक्ट करती है फ्लोरीन से टू फॉर्म स्टेबल जिनोन फ्लोराइड, क्यों, जो मैं बता चुका हूँ, इसका लार्जेस्ट साइज है, लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोस्ट रेडली अवेलेबल नोबल गैस। 166, विच वन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, हीलियम, नियॉन, जिनोन, क्रिप्टॉन। 167, रिएक्शन दी हुई है तो आपने जिनोन टेट्राफ्लोराइड बनाना है, तो जिनोन एंड फ्लोरीन की रेशो 1:2, 1:5, 1:10, 1:20। 168, विच ऑफ फॉलोइंग सजेस्ट द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिनोन ऑक्सीजन टेट्राफ्लोराइड, sp3d, sp3d2, साथ में इसकी ज्योमेट्री दी हुई है, देखिए ट्रिगनल बाई पिरामिडल, स्केयर पिरामिडल, ऑक्ट्राहीड्रल, स्केयर पिरामिडल। तो ये मैंने बताए थे आपको स्ट्रक्चर, अगर आपके दिमाग में हो, लास्ट में थे जो 2-3 pages। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट, जिनोन ट्राईऑक्साइड में 4 sigma 4 pi, हाइब्रिडाइजेशन जिनोन टेट्राफ्लोराइड में sp3d2 है। अमंग द नोवल गैसेज जो परसेंटेज वाई वेट ऑफ आर्गन जो हाइएस्ट है, लिक्विड हीलियम इज यूज इन क्रायोजेनिक सिस्टम, कौन सा गलत है इसमें, ये सारी स्टेटमेंट आपको कराई है। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल जिनोन ट्राईऑक्साइड, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर इन जिनोन, 1 and 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, बताइए। 171, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, जिनोन ड्राईफ्लोराइड इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, डाईफ्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड जिनोन एट हाई प्रेशर, जिनोन डाईफ्लोराइड अंडरगो अल्कलाइन हाइड्रोलॉक्सिस टू गिव द ऑक्सीजन एंड जिनोन, जिनोन ड्राईफ्लोराइड कंटेन 2 bond pair and 3 lone pair। 172, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ जिनोन कंपाउंड नॉट फिसेबल, इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती, तो ये रिएक्शन आपने देखी थी बुक में, ए बी सी डी, ध्यान से देख लीजिए इसको, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको। 173, लीस्ट केमिकल एक्टिविटी कौन शो करता है, अमोनिया, मिथेन, आर्गन, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट, आसान है। स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन हेक्साफ्लोराइड क्या है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल, नन ऑफ दीज। 175, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नोवल गैसेज इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, बेरियम, रेडॉन, जिनोन, सही क्या है इसका सीक्वेंस मैं बता चुका हूँ, देख लीजिए इसको। कंपाउंड विद द ज्योमेट्री स्केयर पिरामिडल एंड sp3d2, कौन सा है, जिनोन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड,
ऑक्सीजन टेट्राऑक्साइड, ऑक्सीजन डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। 177, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नोबल गैसेज। नोबल गैसेज के रिगार्डिंग कौन सी गलत स्टेटमेंट है? आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नियरली जीरो, डू नॉट फॉर्म एनी केमिकल बॉन्ड, दे आर नॉट ईजिली लिक्विफाइड। 178, वाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन रिएक्शन ऑफ जीनोन हेक्साफ्लोराइड विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड? ए बी सी डी क्या बनते हैं, ये रिएक्शंस है बुक में। 179, इफ 1 लीटर ऑफ एयर इज पास्ड रैपिडली ओवर द हीटेड कॉपर एंड मैग्नीशियम टिल नो फर्दर रिडक्शन इन वॉल्यूम टेक प्लेस, द वॉल्यूम फाइनली क्या होगा? 800 ml, 200 ml, 10 ml, 0। 180, द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर्ड फ्रॉम एयर इज स्लाइटली ग्रेटर देन डैट ऑफ नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड बाई केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग एरियल नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, सम नाइट्रोजन एनालॉगस टू द ऑक्सीजन, ग्रेटर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ड्राइव फ्रॉम नाइट्रोजन। 15। 181, फोर्स एक्टिंग बिटवीन नोबल गैस, बंडरवाल, आयनिक डाइपोल, लंडन डिस्पर्सल, मैग्नेटिक। बहुत आसान है, ये कल किए थे हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नोबल गैसेज फॉल्स। नोबल गैसेज के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है? देखिए, दे आर यूज टू प्रोवाइड द इनर्ट एटमोसफेयर इन मैनी केमिकल रिएक्शन, ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल, सम ऑफ देम आर यूज टू फिल द डिस्चार्ज ट्यूब एंड यूज फॉर एडवर्टाइजिंग साइन। बताइए नोबल गैस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है? 182, सी डाइवर गो टू डीप इन वाटर विद अ मिक्सचर ऑफ विच गैसेज। जो स्कूबा डाइविंग होती है उसमें कौन सा जो सिलेंडर लगा होता है, क्या क्या गैसेज होती हैं? ऑक्सीजन हीलियम, ऑक्सीजन आर्गन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। इन द कैथरेट ऑफ जीनोन विद वाटर द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन जीनोन एंड वाटर क्या है? कोवेलेंट, हाइड्रोजन, कोऑर्डिनेट, डाइपोल एंड यूज डाइपोल। बहुत आसान एंड इंपॉर्टेंट। 185, हीलियम इज सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर गैस थर्मोमीट्री बिकॉज हाई ट्रांजिशन टेम्परेचर, रियल बिहेवियर, लो बॉइलिंग पॉइंट नियर आइडल बिहेवियर, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई पोलराइजिबिलिटी। सॉलिड जीनोन हेक्साफ्लोराइड किस में एग्जिस्ट करता है? XF4 पॉजिटिव, F2 नेगेटिव, XF5 पॉजिटिव, F नेगेटिव, XF7 नेगेटिव, F पॉजिटिव, जीनोन 4, फ्लोरीन 4 नेगेटिव। लास्ट पेज, नोबल गैस कैन बी सेपरेटेड बाय पासिंग देम थ्रू सम सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड, अब्सॉर्प्शन ऑफ डिसॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल, नॉन ऑफ दिस। लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कैन क्लाइंब अप द वॉल ऑफ द ग्लास वेसल इफ दिच इज प्लेस्ड? अल्कोहल, लिक्विड हीलियम, नाइट्रोजन, वाटर। हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर इज यूज बाय डीप सी डाइवर, प्रेफरेंस इन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिक्सचर क्यों? हीलियम इज मच लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मच लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन हीलियम। ड्यू टू हाई प्रेशर डीप सी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म पॉइजनस नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जो दो बार क्वेश्चन आ गया, आई थिंक जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया था उसका ये आंसर ही आ गया। तो बताइए क्या कारण होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते, ऑक्सीजन हीलियम यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीलियम इनकरेक्ट। हीलियम से रिगार्डिंग कौन सी गलत स्टेटमेंट है? इट इज़ यूज टू फिल गैस बलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज़ लाइटर एंड नॉन फ्लेमेबल, यूज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, यूज टू प्रोड्यूस सस्टेंड पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, यूज एड क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 191, ए कैथरेट मे बी डिफाइंड एज केज कंपाउंड, लिक्विड क्रिस्टल मिक्सचर, सॉलिड सोल्यूशन।
192 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइफ सेविंग मिक्सचर अस्थमा पेशेंट को दिया जाता है, हीलियम एंड ऑक्सीजन मिक्सचर, नियोन ऑक्सीजन, जिनोन नाइट्रोजन, आर्गन ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने शायद सुना नहीं होगा पहले। फिशर रिंग मेथड सेपरेशन ऑफ नोबल गैस मिक्सचर फ्रॉम एयर इज यूज्ड, 90% कैल्शियम कार्बाइड, 10% कैल्शियम क्लोराइड, कोकोनट चारकोल, सोडा लाइम पोटाश सॉल्यूशन, 90% कैल्शियम कार्बाइड, 10% यूरिया। हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन जीनोन ऑक्सीजन टेट्राफ्लोराइड, 1, 2, 3, 4। कितने लोन पेयर हैं इसमें जीनोन के ऊपर। कोकोनट चारकोल एट -180 इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ आर्गन क्रिप्टॉन, नियोन क्रिप्टॉन, नियोन आर्गन, हीलियम नियोन। तो स्टूडेंट्स, विद योर पार्टिसिपेशन वी कुड कंप्लीट दिस ट्यूटोरियल, और काफ़ी अच्छी आपकी पार्टिसिपेशन थी, एंड आई हाईली एडमायर योर एफर्ट्स रिगार्डिंग टू डैट, एंड आई विश ऑल ऑफ यू कुड क्वालिफाई योर एग्जाम एंड हैव जॉब इन योर हैंड। वंस अगेन थॉरली पूरा क्वेश्चंस आपको रिवाइज करा देते हैं। अभी तक हमने जो इसके मॉक टेस्ट रखे थे, कितना कर लिया हमने इसका, सो इसको हम 3 मॉक टेस्ट में कवर कर पाए हैं बिकॉज ऑफ लेंथी ट्यूटोरियल, अबाउट 200 क्वेश्चन, एंड दे शुड हैव अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाई आई हैव डन इन पार्ट्स, एंड थैंक यू फॉर योर हम्बल पार्टिसिपेशन। एंड अब इसके बाद हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को फिनिश करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर लेंगे, उसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी साथ में करेंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर एग्जाम।